Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for grade 5. Today we start to learn lesson natural disaster. What is natural disaster? Any event, any natural disaster such as flood, cyclone, earthquake and avalanches that result in damage and many deaths in huge amount of destruction is called natural disaster. Today we learn about the two natural disasters that are cyclones and floods. What are these? How are these caused? And what precautionary measures we should be adopt? What is cyclone? Cyclone क्या होता है? साइक्लोन एक बहुत तेज़ तूफ़ान है जिसमें हवाएं सर्कल्स की फॉर्म में मूव करती हैं. साइक्लोन ओशंस में भी कॉज हो सकता है और ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी. अब हम पढ़ेंगे कि साइक्लोन किस तरह से कॉज होता है. साइक्लोन वार्म सीज़ में डेवलप होता है जो कि इक्वेटर के नज़दीक हैं. व्हेन द सी इज़ हीटेड बाय द सन, जब सी सन की हीट के ज़रिए हीट अप हो जाता है तो द एयर अबव इट आल्सो वार्म्स अप. सी से ऊपर की जो एयर है वो वार्म अप हो जाती है और वो राइज़ करती है ऊपर की तरफ. जैसे ही वो ऊपर की तरफ राइज़ करती है तो एयर के अंदर मॉइस्चर भी ऐड हो जाता है जो कि उस वार्म एयर को कूल डाउन करता है और वो वार्म एयर कूल डाउन होके कंडेंस हो जाती है. कंडेंस होके वो कन्वर्ट हो जाती है वार्म एयर क्लाउड्स में, मैसिव थंडर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है. इट इज़ फ्रॉम दीज दैट ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ अ साइक्लोन. ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने अपने पास एक रेडियो अवेलेबल रखना है जिसके ज़रिए आपको डिफरेंट अलर्ट्स के बारे में पता चलता रहेगा. नेक्स्ट, आपने डोर्स और विंडोज़ को क्लोज़ कर देना है. अपने फैमिली मेम्बर्स को गैदर कर लेना है और प्लान करना है कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है. इनसाइड द होम आपने एक इमरजेंसी किट और बैटरी रेडियो अवेलेबल रखना है. इमरजेंसी किट में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बैटरीज, टॉर्च, टिन फूड विद अ टिन ओपनर एंड ड्रिंकिंग वाटर. गैस और इलेक्ट्रिसिटी आपने टर्न ऑफ कर देनी है. मूव पीपल एंड पेट्स टू स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस. आपने हाउस का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है आपने उस पार्ट में मूव कर जाना है. आपने होम को लीव कर देना है और नियरेस्ट जो आपके घर के पास एमरजेंसी शेल्टर है वहाँ पे आपने मूव ऑन कर जाना है. डोंट अटेम्प्ट टू ड्राइव और वॉक थ्रू वाटर. आपने वाटर में से ड्राइव करने की कोशिश नहीं करनी बल्कि आपने गाड़ी के अंदर ही रहना है. आप पेट्स को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते. आप उनको कहीं भी लॉन्ड्री में क्लोज़ कर दें. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लड्स. व्हाट इज़ फ्लड? व्हेन द रेट ऑफ रेनफॉल एक्सीड्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड फ्लड्स आर कॉज्ड. जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हाई कि वाटर ग्राउंड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, उस लेवल से भी हाई हो जाएगा, तो वो फ्लड कॉज करेगा. जब रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो रिवर्स के बैंक्स को ब्रेक कर देगा और वो रिवर के आसपास का जितना एरिया है फ्लड उसको कवर कर लेगा. विलेजेस कम्प्लीटली जो है वो अंडर वाटर आ जाएंगे. ऐसी सूरत हाल में हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए? सबसे पहले आपको उन एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे फ्लड हो. आपने रिवर्स को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी. आपने वाटर कवर्ड रोड्स और ब्रिजेस से दूर रहना है. और आपने स्विमिंग और बोटिंग की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने सिर्फ वेल कुक्ड फूड को लेना है। एंड प्रोटेक्ट लेफ्टओवर्स अगेंस्ट कंटेमिनेशन। आपने सिर्फ क्लीन और बॉइल्ड वाटर लेना है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ एंड गैस को टर्न ऑफ कर देना है। व्हीकल्स को किसी हाई एरिया पे आप पार्क कर दें और सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर को आप अपने साथ अपस्टेयर रूम्स पे ले जाएं और वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। आई होप स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड फ्लड्स इज़ क्लियर नाउ। If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.